बैकग्राउंड क्या है, आप पार्टी में आएंगे। जोरदार ताली के साथ मैं शुरुआत करता हूं सर। संजीव खंडी जी, साथियों जयाशिव, नाम संजीव सैनी, कुरुक्षेत्र से। टोटल इनकम 25 लाख रुपए और आरक्षण में आने का मेन कारण है 20 साल इंडियन नेवी में सर्विस की सबरीनाम में, और कुछ तमन्ना थी कि वहां देश की सेवा के साथ साथ यहां आने के बाद सोसाइटी को एक बहुत बड़ा मैसेज और जानकारी, और जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है सारा कुछ, चाहे वो यूपीसी के हैं चाहे एफएमसीजी के हैं, वो जन जन तक जाएंगे, और ये जन जन तक जाएंगे तभी हमारा देश जो है स्वस्थ हो सकता है और आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा एक बार ना तालियां बाद में मारे, थोड़ा ध्यान देना। कई बार ना हम ताली मारते हैं तो भूल जाते हैं व्यक्ति किसने क्या बताया, उसको सुने सर, फील करें। सुनने का रोल 90% है, और किस प्रोफेशन से है, क्यों आरसी में आया है, उसको अंदर जाने दें। ताड़ियां फिर इकट्ठी करके नोट वाली बात में बजा लें। नाम गुरुदेव सिंह, कुरुक्षेत्र से। टोटल इनकम लगभग 30 लाख रुपए और बिजनेस में आने के एक ही कारण है कि अपने साथ साथ मतलब एक ऐसा कारोबार जिसमें हम तो कमा सकते हैं, कुछ लोग को प्रेरित कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, मतलब हम इस बिजनेस के वजह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। हमारे जो अपने पर्सनल काम है इस बिजनेस से बाहर निकलते हैं, जो सबके अपने अपने कारोबार है, वहां हमें कोई सोच नहीं करता, हेल्प नहीं करता, पर यहां हमें सभी साथियों के साथ मिलता है। मतलब एकजुट एक संगठन एक समूह एकता में बहुत पावर है। थैंक यू। नाम सुरेश बली, जींद हरियाणा से। पार्ट टाइम करके टेक्निकल की पिन पे आए हैं, और टोटल इनकम की बात करें तो 18 लाख से ज्यादा। और मकसद क्या है कि मकसद यही है कि सर इस बिजनेस के अंदर जो अपने को चाहिए सबसे बड़ी चीज है सर पैसा, समय के लिए जाती सुरक्षा, मान सम्मान, घूमना फिरना, लाखों लोगों का प्यार ज्ञान, यहाँ पे सब कुछ तो है जो एक सफल इंसान को चाहिए, इसीलिए। नमस्कार, जय आरसी। दोस्तों नाम है निका मोल, और गुड़गांव जैसी साइबर सिटी में प्राइवेट जॉब करते हुए ये कॉन्सेप्ट मेरी जिंदगी में आया। एक ऐसे व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में कॉन्सेप्ट लाया, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा था और उन्होंने मेरे को इसके बारे में जानकारी दी, तो मेरे को यह लगा कि ये मेरे से नहीं होगा। और वो एक प्रोग्राम में मेरे को लेकर के गए, फरीदाबाद में प्रोग्राम था, वहां मेरे को लेकर के गए, और वहां से मेरे को ये समझ में आया कि एक आम आदमी भी खास बन सकते हैं, इनके यहां से आप मस्त लाइफ बना सकते हैं। दूसरा कारण कि मैं दो दो ऑपरेशन करा चुका था, मेरे को एलर्जी रह गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप नौकरी छोड़ करके अपने गाँव में जाइए। पर मेरे को ऐसे प्रोडक्ट ने ठीक कर दिया, उसके बाद जो है इसके अंदर जो है मैं उस प्रोडक्ट को लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। और तीसरा कारण क्या है, वो एक चीज बोलते हैं कि जो करता अपने बीबी बच्चों से प्यार, हेलो, जो करता अपने बीबी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकता आपसे उनसे प्यार। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब आपके बच्चे जब उनकी शादी होती है आप देखते हैं आजकल का कैसा दौर है, और यहाँ इस सिस्टम में आकर के उनको भी वो भी सुधर जाते हैं कि जैसे पुराने टाइम में इकट्ठे परिवार रहते थे और वो बुजुर्ग माँ बाप जो है बुजुर्गों की सेवा करते थे, और आप परिवार के अंदर पढ़ लिखने के बाद भी माँ बाप अलग रहते हैं, पर ये वो ताकत देता है, उस एक सोच देता है कि आप अपने परिवार की उस हालत में जो सुरक्षा कर सकते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि आज जैसे भी सबने बताया कि पैसे को देखकर क्या है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपकी नौकरी चली जाएगी और यहां से आपको पैसा आएगा, जो आपकी जो बच्चे हैं या उसकी वो पत्नी है वो फिर आपकी पूरी सेवा करेगी, क्योंकि एक ऐसी आदमी आपके पास है जो उनके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देगी। तो ये जो चीजें यहाँ पे मस्त लाइफ मेरे आसन बिजनेस आपको देता है, और हेल्थ के साथ भी और वेल्थ के साथ भी देता है। तो दोस्तों नमस्कार, जय आसन। दोस्तों नमस्कार, जय आसन। नाम रविंद्र यादव, झज्जर हरियाणा से। सिस्टम में आने का कोई कारण नहीं था, बाय चांस इस कॉन्सेप्ट में मुझे लाया गया, आज वो मेरी चॉइस बनी है। और इस प्रोफेशन से पहले मैं इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का काम करता था, धूल भरा काम, मिट्टी से भरा हुआ काम,
अब बहुत सारे कारण है इस सिस्टम को करने का। सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री को वो मान और सम्मान दिलाना मेरा एक कारण है, जहां सैनिकों को सम्मान मिलता है और दूसरे जो सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मान मिलता है। तो वो एक मेरा कारण है कि आज जो इस प्रोफेशन में है उस व्यक्ति का उतना बड़ा सम्मान हो, क्योंकि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसने मुझे मोटिवेट किया वो है परिवार की सुरक्षा। हम जहां भी जिस भी फील्ड में बाहर काम करते हैं उस काम में सिक्योरिटी इनकम, कल आपने सुना होगा रॉयल्टी इनकम, तो मैं रॉयल्टी इनकम टेक्निकल इनकम के लिए सिक्योर इनकम के लिए इस सिस्टम में आया। नमस्कार, थैंक यू, जय आज। अब मैं माइक देने जा रहा हूं आगे कार्रवाई के लिए झांसी की रानी, एक जबरदस्त लीडर। मैं कहता हूं बहुत सारी लेडीज को प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां एक लेडीज अपने आप को एक रसोई के दायरे में कैद कर लिया, क्या घर अपना काम खाली खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, यही काम है। ये मौका एक लेडीज को अपनी पहचान बनाने का आज मेरे से मौका देता है, तो सभी एकता तिवारी जी से प्रेरणा जरूर लें, हम उनको बाद में बुलाएंगे। तो आगे कर रहे सर, वैसे टीसी सर का टाइम 11:30 बजे का है, तो थोड़ा सा इसीलिए तो थोड़ा सा पार्ट चलेगा। साथियों नमस्कार, जय आरसी। नाम राजेश काकड़, डिसिप्लिन चरखीदार हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और मेरी लाइफ में भी ये प्यारा सा कंसेप्ट बाई चांस से आया था, और उस कंसेप्ट को देने वाले देवेंद्र यादव जी के लिए क्रेडिट चाहूंगा। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी में वो जानकारी दी, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माननीय सुरेंद्रवत साहब का गुड़गांव में देखा, और उस मंच के माध्यम से मेरे को पता चला कि एक दुनिया का केवल एक ही ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप मस्त लाएंगे। टोकने आपको इस मंच के माध्यम से मिलता मान सम्मान पैसा अवार्ड समझते, और इसी को देखते हुए मैं इस बिजनेस का इस कंसेप्ट का दीवाना हो गया, और बिल्कुल जुनून के साथ, शिद्दत के साथ, पूरे परिवार के साथ इसको करना और बड़ा ही मजा आ रहा है। और इनकम की बात करूं तो इस मंच के माध्यम से, इस कंसेप्ट के माध्यम से 25 लाख का बहुत ही इनकम ले चुका हूं। नमस्कार, जय आज। नमस्कार, नमस्कार साथियों, नाम मैं रमेश जी, मैं सकली हरिद्वार से, और पिछले कुछ टाइम से अपने गुरुओं के माध्यम से सुनने की खूब से सिस्टम को सीख रहे, सीखते सीखते वहां से यहां तक पहुंच गए, आगे आपकी बारी है। एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, दो चीज बताऊंगा आपको, एक तो ये परिवार और एक ये परिवार। आज सबके परिवार में और अपने परिवार में फर्क यह है कि जब अपना परिवार बढ़ता है तो इनकम कम होती है, और जब आज सबका परिवार बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है। प्रभाव होता है, वो मंजर खुश नहीं होता है।
हिम्मत हारी नहीं है और जज्बा है कुछ बनने का। अभी सफर जारी है, जो जितना झुलसता है उतना ही निखरना है। अरे सारे तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है, वो हर रोज चमकता है। मत पूछो सपना क्यों नहीं पूरा होता है, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। जिनकी सोच अच्छी होगी उनको स्वागत करता है आरसीएम, जिनकी पानी अच्छी होगी आरसीएम इंतजार कर रहा है। इस धरती पे कोई ऐसा काम नहीं है इतना अच्छा जो आरसीएम से कर्म से आप महान बनते हैं। महान ही नहीं महामान बनते हैं, देवता बनते हैं। इसी बात अपनी बात को ध्यान रखते हैं दोस्त, मस्त जिंदगी जीनी है, टैक्स में टेंशन मुक्त जिंदगी जीनी है तो टेक्निकल अचीवर बनना ही पड़ेगा, लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। आई एम लीडर दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। सभी यहीं पे है क्या? लग तो नहीं रहे वाले। अभी देखिए जागते रहिए क्योंकि ये बिजनेस जागते रहने वालों के लिए। अभी रंधावा सर ने आपको जगाया, शिल्पा मैम ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी और अभी माननीय डीसी सर हमारे बीच में आने वाले हैं तो आप तैयार हो जाइए। दोस्तों नाम श्री किशन, बेसिकली हरियाणा से हूं और पिछले लगभग 22 साल से मैं गुड़गांव में हूं और इस बिजनेस को कोई भी बाइक जो है ना च्वाइस नहीं लेता है, बाइक चांस आता है। और मेरी जिंदगी में भी ये बाइक ना बाइक च्वाइस था ना बाइक चांस था, जबरदस्ती था। क्योंकि जबरदस्ती इसलिए था कि जो मेरे पे बिजनेस देने वाले थे वो मेरे रिलेशन में है और रिलेशन भी ऐसा है कि उस रिलेशन को मना नहीं कर सकते और आपको पता है कि वो रिलेशन ऐसा होता है कि जहां पर मना नहीं किया जा सकता। और उसमें कई बार आपने सुना भी होगा कि रिलेशन में एक जीजा साला का होता है ना, तो जीजा देने वाला होता है, साला लेने वाला होता है और साले के क्या मजा जो मना करते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस जबरदस्ती मतलब दिया गया लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन जब इस बिजनेस की खूबियों के बारे में पता लगा, प्रोडक्ट के बारे में पता लगा तो 5-6 महीने तक तो कोई विश्वास नहीं था, कोई काम करने का तरीका नहीं था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो किसान परिवार से था। मेरी जो जॉब थी वो एक सिक्योरिटी गार्ड की थी जिसमें 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं होती थी और 12 घंटे की लगभग जॉब होती थी, रिलीवर नहीं आता था, 24 घंटे भी करने पड़ते थे तो टाइम नहीं मिलता था। लेकिन 264 रुपए एक इनकम आती है और उस इनकम से मैं मोटिवेट होता हूं और फिर इस तरीके के जो सेमिनार है उस सेमिनार में आने का मौका मिलता है और दोस्तों वहीं से मेरा स्टार्टअप होता है। और आज से भी बिजनेस कितने दिन से कर रहे हो ये मायने नहीं रखता है। कल नंदावा सर ने भी बताया कि आज से बिजनेस में आप कितने दिन से हो ये मायने नहीं रखता है, आपके अंदर आज से बिजनेस किस दिन आता है ये मायने रखता है। और बार बार हर एक लीडर आपको एक ही मैसेज देता है कि लक्ष्य बना के चलिए, लक्ष्य लीजिए। क्योंकि एक तो होता है सपना, सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हर आदमी के सपने होते हैं लेकिन एक होता है लक्ष्य, उस लक्ष्य पे काम करके हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। चाहे आप इतिहास गवाह है किसी भी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उन्होंने लक्ष्य लिया उस पर काम किया एक्शन किया वो आज फतेह हासिल की उन्होंने। लेकिन जो सपने लेते हैं
वो मेहनत के लिए लेते हैं, लेकिन जिनका लक्ष्य होता है वो बिना मेहनत के अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय। कैसे लगे सम्मान में जोरदार जोरदार।